Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मोहम्मद मोहसिन खान अपने दफ्तर वाक़ न्यू टाउन में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि अखलियाती अखामाती स्कूल टेमरीज बॉयज़ जूनियर कॉलेज वन में होनहार तालिब इल्म इसरार आमिर वल्द मोहम्मद मुजाहिद साकिन फायर स्टेशन महबूब नगर ने AME सेट नुमाया कामयाबी 158वीं रैंक हासिल करते हुए राजीव गांधी एविएशन एकेडमी में पायलट के लिए सीट हासिल कर ली। लेकिन इसरार के पास इस कोर्स की फ़ीस अदायगी के लिए दरकार 35 लाख की रकम नहीं थी। इसरार ने मोहम्मद मोहसिन खान से रब्त करते हुए मदद तलब की। उन्होंने बताया कि उन्होंने फौरी तौर पर डॉक्टर बी श्रीनिवास कौर मोहम्मद महमूद अली इम्तियाज इसाक से रब्त किया, जिस पर मस्कूरा खायदी ने CM से इसरार की मदद के लिए CM KCR से नुमाइंदगी की, जिस पर CM ने फौरी महकुमा अखलियाती बहबूद को मुताहरिक करते हुए इसरार की मदद के लिए हिदायत दी, जिस पर सेक्रेटरी अखलियाती बहबूद उमर जलील ने GO जारी करते हुए इसरार की फ़ीस की अदायगी की मंजूरी दे दी। मोहम्मद मोहसिन खान ने महबूब नगर के मुसलमानों की जानिब से CM KCR मोहम्मद महमूद अली डॉक्टर बी श्रीनिवास कौर मोहम्मद इम्तियाज इसाक से इजहार तशक्कुर किया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इसरार अहमद ने बताया कि पायलट बनना उनकी ज़िंदगी का ख्वाब था। रियासती हुकूमत CM KCR की मदद से आज उनके ख्वाब को पूरा किया, जिसके लिए उन्होंने CM KCR रियासती विज़रा मोहम्मद महमूद अली श्रीनिवास कौर बिलखसूस मोहम्मद मोहसिन खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मोहसिन खान ने बर वक्त मेरी नुमाइंदगी नहीं करते तो ये मुमकिन ना होता। इसरार ने मजीद कहा कि वो अपनी तालीम की तकमील के बाद आगे चलकर वो भी कौम की होनार तलबा की ज़रूर मदद करेंगे। इस मौके पर हाफ़िज़ सिदरी सिराजी मोतमद ईदगाह कमेटी मोहम्मद मिसबाउद्दीन की जानिब से इसरार आमिर और मोहसिन खान की गुलपोशी की गई। देखिए ये रिपोर्ट, योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं मोहसिन खान, TRS माइनॉरिटी सेल सदर साबिका, महबूब नगर ज़िला। मैं तेलंगाना की आवाम बल्कि साथ ही साथ महबूब नगर के आवाम नास को एक खुशखबरी की इतला देना चाह रहा हूँ। एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद असरार अमीर है, उनके वालिद साहब का नाम मोहम्मद मुजाहिद है, वो एक बौरची हैं, यानि कुक का काम करते हैं, माली एतबार से बहुत कमज़ोर हैं। तो उनका यह बच्चा मोहम्मद असरार टिमरीस स्कूल में बॉयज़ 2 में SSC पढ़ा, हॉस्टल में रह के 10/10 लाया, उसके बाद इंटर में जूनियर कॉलेज टिमरीस में टिमरीस बॉयज़ 1 में जो है सो 93.1% से पास करा। उसके बाद वो खुद ही अपने तौर पर, ना कोई ट्यूशन लेकर ना कोई ये लेकर, गूगल पे सर्च कर जो है सो वो जो है सो AME सेट लिखा, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 2 लाख बच्चे पार्टिसिपेट हुए और ये बच्चे का रैंक उसमें 158 है, माशाल्लाह 158 रैंक लाया, जिसके बिना पर उसको जो है सो हैदराबाद के राजीव गांधी एविएशन कॉलेज में पायलट की सीट आई और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की भी सीट आई। लेकिन पायलट की सीट के लिए उसको 35,25,000 की ज़रूरत थी और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए 4.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, फीस बनना है। तो बच्चा मेरे से रब पैदा करा, बोला मैं, हमारी घर की माली हालात कमज़ोर है, मैं ये पायलट बनना चाह रहा हूँ, आप मेरे को मदद करो। तो मैं वो बच्चे को वादा करा, मैं कम से कम 4.5 लाख तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर में दाखिला दिलाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ और पायलट की भी कोशिश करता हूँ, नहीं हुआ तो कम से कम ये 4.5 लाख तो करता हूँ। बल्कि वो बच्चे को लेके मैं हैदराबाद निकला, वहाँ पर हमारे
माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के इम्तियाज़ इसहाक साहब चेयरमैन और मसीउल्ला साहब चेयरमैन अखाफ के, उनके सामने बात रखा तो वो लोग 4.5 लाख सब चेयरमैन मिल के और महमूद अली साहब मिलकर सब दाल लेके 4.5 लाख बंदिंग है बोल के तैयार हुए। तो मुझे मालूम था एक बार ओल्ड सिटी में जब सीएम केसीआर साहब गए थे तो वो लड़की सलवा फातिमा उनसे रिप्रेजेंट करी थी कि मैं पायलट बनना चाह रही हूँ, तो फौरन उसकी गवर्नमेंट की तरफ से फीस बनकर सीएम साहब उसको पायलट बनाए हैं। आज वो लड़की पायलट है और महाना 5 लाख रुपए तनख्वाह है उसकी माशाल्लाह से। तो मैं भी ये लड़के को पायलट बनाने के लिए हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब से भी मुलाकात करा। श्रीनिवास गौड़ साहब होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब को फ़ोन करे, उसके बाद मैं महमूद अली साहब के पास जाकर मारूजा रखा तो महमूद अली साहब फौरन तैयार हो गए। कई को बोल तो ये बच्चा तिमरीज से है, यानी जो गवर्नमेंट स्कूलें चला रही है यहाँ पे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, वहाँ से निकला हुआ बच्चा है। बहुत बड़ी बात है, पायलट बनना चाह रहा है। सीएम साहब के पास अगर इस ये बात ले गए तो वो उन्होंने इनकार नहीं करते, मेरे को भरोसा है बोल के कि बच्चे की फाइल लेके सीएम से हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब रुजू हुए। रुजू होने के बाद असेंबली में सीएम साहब उसको फौरन वो फौरन मान लिए और गवर्नमेंट से पैसे फीस भरने की बात कही, और इसके लिए होम मिनिस्टर साहब अपना लेटर देकर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से जिस जहाँ के सेक्रेटरी उमर जलील साहब है उनको हिदायत दी और 35,25,000 का जीओ निकला और माशाल्लाह से वो जीओ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हैदराबाद में गया। वहाँ से कॉलेज को पहले इंस्टॉलमेंट में 10 लाख रुपए सैंक्शन हो गए हैं और वो बच्चे का एडमिशन हो चुका है माशाल्लाह। ये बच्चे का ये 2 साल का कोर्स है, इसमें जैसे 33,25,000 रुपए खाली प्लेन के चलाने के किराया होता, यानी 1 घंटे का 15,000 जो और जो ऑपरेटर रहता उसके साथ, अगर सिंगल देना है तो वो 50 घंटे देते, उसके लिए 25,000 रुपये सिंगल प्लेन चलाने का, तो इसके ही 33 लाख रुपए हो रहे, बाकी 2 लाख रुपए कॉलेज की फ़ीस है। लिहाजा हम बहुत खुशी की बात है, ये हम केसीआर साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही साथ महमूद अली साहब का, श्रीनिवास गौड़ साहब का और जितने भी इसमें हमारे को कोऑपरेट करे हैं। बच्चे को जैसे सो एक मामूली घर का बच्चा, गरीब महिला का बच्चा निकल कर पायलट बनने जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। बहुत हीरा ही एक हीरा है, इसको तराशने की ज़रूरत थी, हम इंशाल्लाह इसको तराशेंगे, पायलट बनाएंगे और उम्मीद रखते हैं बच्चा आगे चलकर और जो गरीब बच्चों की कफालत लेगा। और हम सोच रहे हैं कि जब तहरीक चल रही थी, यहाँ के एमपी साहब हमारे केसीआर साहब थे तो वो अक्सर कहा करते थे कि सचार कमेटी की जो रिपोर्ट में जो कहा गया है कि मुसलमान दलितों से भी कमज़ोर है, और केसीआर साहब कहते थे कि मुसलमान सचार कमेटी में है कि ठेला बंडी चलाते हैं, पंचर जोड़ते हैं, पान के डब्बे हैं, ये इनके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में इंग्लिश स्कूलों में कैसा पढ़ेंगे, वो फ़खत फिक्र करते थे। और जैसे ही वो सीएम बने फौरन पूरे तेलंगाना में 204 टिमरीज स्कूलों को खोला, उसको अपग्रेड करते हुए 204 जूनियर कॉलेज खोले, अब उसको भी अपग्रेड करते हुए मुझे उम्मीद है ग्रेजुएट भी कॉलेजेस भी खोलेंगे, और उनका जो वादा है पीजी से केजी से पीजी तक फ्री तालीम इंशाल्लाह वो कराएंगे, मेरे को उम्मीद है। मैं बच्चे को मुबारकबाद देता हूँ और सबको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बच्चे और सारे महबूब नगर की आवाम की जानिब से केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। केसीआर साहब
जो ये मारुदा रखते ही फौरन सैंक्शन करे और बोले कि हमारे स्कूलों के बच्चे इतना ऊपर आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ये बच्चे के अलावा कई बच्चे नीट में पास हुए हैं और MBBS करने वाले फ्री सीट आ रहे हैं। टिमरीज के बच्चे आज यानी उनके माँ बाप सोचे भी नहीं थे कि इंग्लिश की तालीम दिलाएंगे और इतना आगे बढ़ेंगे। ये इंग्लिश के तालीम के साथ साथ इसमें उर्दू मीडियम भी फर्स्ट लैंग्वेज है, फिर अरबी की तालीम भी दी जा रही है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। शुक्रिया साहब, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और महमूद अली साहब का, श्रीनिवास गौर साहब का, और हमारे इम्तियाज इसाक साहब का, जो भी इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। सबको सलाम अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद असरार अमीर है, मैं फैरी स्टेशन का रहने वाला हूँ। मैंने शुरुआती तालीम टेम्परेज बॉयज स्कूल से की थी और कॉलेज की तालीम तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जूनियर कॉलेज से की थी, जहाँ के प्रिंसिपल लुबना जाबरी है। और मैंने AME CET फेस 3 का एग्ज़ाम दिया था जो 5 जुलाई को हुआ था। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 158 आया, जो हर साल बच्चे 2 लाख लोग लिखते हैं। मुझे कमर्शियल पायलट में राजीव गांधी एविएशन अकेडमी बेगमपेट हैदराबाद में सीट मुकम्मल हुई थी, जिसके एडमिशन के लिए रकम चाहिए थी 35 लाख 25 हज़ार रुपये, जिसके मेरे पास तो कोई ऐसे जरिया नहीं था कि जिससे मैं पूरी कर सकूँ। मेरे वालिद एक मामूली से काम करने वाले हैं, तो मैंने हमारे मोहसिन खान साहब से रब्ता किया था कि जी मुझे सीट आई है, मुझे कुछ मदद का जरिया दें। तो इन्होंने कहा था कि मुझे AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में सीट आई है, जिसकी फ़ीस 4.5 लाख रुपये थी। इन्होंने कहा था कि कम से कम मैं 4.5 लाख का तो करा दूँगा। तो इन्होंने आगे जाकर हमारे श्रीनिवास गौर साहब से और महमूद अली साहब से रब्ता किया कि बच्चा तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल से बच्चा आया है तो पायलट का और AME में सीट आई। तो महमूद अली साहब ने मेरी पायलट की फिर सीधा हमारे जनाब KCR साहब के सामने रखी। इन्होंने फौरन इसे कबूल किया और ये 35 लाख 25 हज़ार रुपये माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड कमीशन उमर जदीद साहब से रब्ता करते हुए कहा कि ये बच्चे को पैसे दी जाए और इसके एडमिशन कंप्लीट किया जाए। तो मैं हमारे मोहसिन खान साहब और श्रीनिवास गौर साहब, महमूद अली साहब का, इम्तियाज़ इसहाक साहब का, उमर जदीद साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे प्रिंसिपल साहिबा और ख़ास तौर पर हमारे जनाब CM साहब और RLC साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने वहाँ तक पहुँचा। और मैं महबूबनगर से पायलट बनकर दिखाऊंगा और मेरा ड्रीम पूरा करूँगा। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।